ओके गाइस, स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की वीडियो में हम लोग अपना न्यूज़ ऐप को एक और लेवल आगे लेके जाने वाले हैं। यानी कि पूरी न्यूज़ ऐप तो कंप्लीट कर दिया था मैंने पिछले वीडियो में ही। पिछला वीडियो जो था उसमें हम लोग ने आइकन एंड नेम को चेंज किया था। अगर वो चीज़ आपने नहीं देखा तो वो भी जाके देख लेना, ठीक है। और कोशिश करना कि पूरी जितनी मैंने वीडियो बनाई है सारी वीडियो को फॉलो करो, और बढ़िया से ये जो न्यूज़ ऐप मैंने बताया वो ऐसा न्यूज़ ऐप पूरा बना लो, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला कि पूरा तो न्यूज़ ऐप बन गया, लेकिन आज हम लोग क्या उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो आज हम लोग करने वाले हैं कि जैसे कि मान लो ये हमारा न्यूज़ ऐप है, अगर किसी को देना है कि हाँ ट्राई करके देखो ये मैंने न्यूज़ ऐप बनाया, तो उसको हम लोग कैसे देंगे। अभी तो क्या कर देते हैं, हम लोग डीबग कर देते हैं, पूरा कोड चाहिए रहेगा हम लोग को, और पूरा कोड से वो डीबग करके देख सकता है, रन करा के देख सकता है। लेकिन हम किसी को देंगे तो जैसे मान लो उसके पास कंप्यूटर नहीं है, तो वो ये तो नहीं रहेगा कि उसको पूरा कोड सेंड करो, उसको फिर पूरा कोड को रन करने बोलो, क्या पता उसको रन करना नहीं आता हो, ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती है। तो आज हम लोग वो जो ऐप हम लोग बनाए हैं न्यूज़ ऐप का, उसको एपीके फाइल में, एपीके फाइल में उसको सेव करेंगे, एपीके फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे और उसको गिटहब पे डाल देंगे, जहाँ से कोई भी डाउनलोड करके उसको देख सकता है, ठीक है। यानी कि हम लोग फ्लट की जो ऐप है उसको गिटहब पे होस्ट करेंगे। ओके चलो, तो सबसे पहले जो हमारा रिपोजिटरी है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, और यही वीडियो में आपको इसका जो कोड है पूरा न्यूज़ ऐप का कोड वो भी आपको मिल जाएगा यही वीडियो में। मैंने पूरा प्लेलिस्ट में नहीं डाला था क्योंकि मैं चाहता था कि लास्ट में डालूँ, जो भी लोग डेली वीडियो देखते हैं उन लोग को मिलना चाहिए, ठीक है कोड। कुछ लोग होते हैं कि सिर्फ आगे कोड लेके और चले जाते हैं, वीडियो को नहीं देखते, ना ही तो कोई रिस्पॉन्स देते हैं, लेकिन हम लोग लास्ट में डाल रहे हैं। देखो ये हमारा अभी रिपोजिटरी है, अभी ये पूरा नॉर्मल लगने लग रहा है। हम लोग इसको बढ़िया से बनाएंगे और इसको पूरा ऐसा बनाएंगे कि हाँ कोई देख के ही समझ जाए कि रिपोजिटरी के अंदर ये चीज़ें हैं, तो ऐप के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली है। तो सबसे पहले रिपोजिटरी बनाने के लिए, बढ़िया सा रिपोजिटरी की डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए हम लोग क्या क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग को कुछ इमेजेस चाहिए। तो मैं इमेजेस अभी एक्सपोर्ट करके मैं एक जगह रख लेता हूँ, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। ओके, तो मैंने जितना भी इसका इमेज हो चाहिए हो मेरे को वो मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करके रख लिया, जो मैंने फिग्मा बनाया था। सबसे पहले ये मैंने बैनर एक इमेज डाला है, ठीक है, फिर मैंने एक ये कवर वाला इमेज लगाया जिसको मैं सबसे ऊपर लगाऊंगा, फिर कुछ स्क्रीनशॉट है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको ऐड करेंगे ताकि लोग को पता चले कि हाँ ये ऐप के अंदर कैसे की क्या क्या चीज़ें होने वाली है, ठीक है। इतना इमेज रख लिया, अब हम लोग को क्या करना है कि कहीं पे वो सारी इमेजेस को होस्ट करना पड़ता है, यानी कि सिर्फ गिटहब जो है सिर्फ यूआरएल लेता है, वो इमेज को नहीं लेता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लॉगर अपना ओपन कर लिया हूँ, ठीक है। मैंने ब्लॉगर पे इसलिए इमेज को होस्ट करता हूँ ताकि ब्लॉगर कभी भी अपने आप डिलीट नहीं होता, जब तक आप चाहो जब तक ब्लॉगर पर इमेजेस को रख सकते हो। न्यूज़ ऐप इन फ्लटर, आप भी ब्लॉगर पर ही न्यू जितनी भी इमेजेस है वो होस्ट कर सकते हो, अच्छी चीज़ होती है, ठीक है। यहाँ पे इमेज रखना ख़राब चीज़ें तो नहीं है, लेकिन अगर आप चाहो कहीं और तो वहाँ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पे सिंपल सा इमेजेस को अपलोड कर दूँगा और सिर्फ सिर्फ यहाँ से यूआरएल को लूँगा। अब हम लोग एक वेबसाइट ओपन करेंगे, रीड मी जनरेटर, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये वाला वेबसाइट पर चल जाएंगे, readme.so, ठीक है। गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना, यहाँ पे आपको आ जाएगा कि आप क्या क्या चीज़ें अपनी रीडमी में डालोगे। तो सबसे पहले मैं टाइटल में लिख दूंगा यहाँ पे, जैसे कि मेरा क्या है, न्यूज़ ऐप इन फ्लटर विथ API, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा न्यूज़ API, या फिर सिंपल सा API लिखते हैं। यहाँ पे एक न्यूज़ का आइकन भी डाल देता हूँ, ठीक है, ऐसा सही लग रहा है। अगर मैं यहाँ पर डबल स्टार्ट दूँ, नहीं सही नहीं है। हो गया, हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन भी डालेंगे। डिस्क्रिप्शन में क्या करता हूँ कि अपनी जो वीडियो है उससे कॉपी करके यहाँ पर डाल देंगे। मैंने अपने वीडियो में डिस्क्रिप्शन लिख के रखा था, तो कौन सा वीडियो हम लोग देखते यहीं पे जाते हैं, और यहाँ से हम लोग जो प्लेलिस्ट है उसी के अंदर जाके वीडियो निकाल लेंगे।
ये देखो मैंने यहाँ से पूरा बढ़िया सा डिस्क्रिप्शन लिख कर मैंने पहले ही रखा था, इसीलिए मैं इसी को डालना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे कॉपी कर लिया और इसके अंदर जाके यहाँ से मैं डिस्क्रिप्शन डाल दिया। देखो बढ़िया लग रहा है डिस्क्रिप्शन। और फिर हम लोग क्या करेंगे कि मैं ऊपर ही दे दूँगा यहाँ पे, अभी रहने देते। फ़िलहाल के लिए हमारा टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन हो गया, और हम लोग क्या ऐड करना चाहते हैं। और अगर नीचे देखो यहाँ पे दिखाएगा कि जो आपकी जो इधर जो आपके प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो रहा है, और नीचे दिखाएगा कुछ सोर्स है जिसको आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं लिंक ऐड करता हूँ, प्रोफाइल लिंक ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, लिंक्डइन के लिए, माय सपोर्ट के लिए, ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग प्रोफाइल लिंक ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको नहीं ऐड करता हूँ, रहने देता हूँ फ़िलहाल के लिए। टेक अगर देखें तो टेक में हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ किए हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैं ऐड करता हूँ। क्लाइंट साइड में हम लोग ऐड यूज़ किए हैं फ्लटर, ठीक है, एंड सर्वर में हम लोग यूज़ किए हैं न्यूज़ डॉट और API। ये चीज़ें हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, आगे अगर चले तो और देख ले सकते हैं कि क्या क्या चाहिए हम लोग को। इंस्टॉलेशन हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, इंस्टॉलेशन की कोई ज़रूरत नहीं। अगर इंस्टॉलेशन चाहिए कि अगर आपके कोड में इस तरह से कुछ कोड लिख कर इंस्टॉल करें तो हम लोग वो भी डाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना तो हम लोग लिख सकते हैं फ्लटर रन लिख दो, फ्लटर पबगेट लिख दो, वो सारी चीज़ें करके आप इसको स्टार्ट करवा सकते हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए नहीं। सपोर्ट स्क्रीनशॉट, यस स्क्रीनशॉट हम लोग ऐड करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट के लिए, और यहाँ पे हम लोग को URL ऐड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालना चाहता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालना चाहता हूँ। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ को इस तरह से कट करके टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन के अंदर आकर यहाँ पे देखते हैं डाल के, यस डला रहा है। इसको मैं यहाँ से हटा दूँगा और मैं जो ब्लॉगर में अपना कवर इमेज, ओके सबको सेलेक्ट कर लेते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे देखना अभी सारी इमेजेस आ जाएगी। तो ये जो कवर इमेज है इसको क्लिक करके यहाँ पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा URL, ठीक है। URL मैंने कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे आकर मैं अपना URL पेस्ट करूँगा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमारी जो इमेजेस है यहाँ पे शो होने लगा। देखो ये पहला इमेज हम लोग को शो हो गया। अब हम लोग जितने भी स्क्रीनशॉट है वो नीचे शो करवाएंगे। तो स्क्रीनशॉट के लिए यहाँ पे एक सेकंड, ये सेम चीज़ एक बार कॉपी कर लेता हूँ स्क्रीन, एक मिनट, स्क्रीनशॉट के अंदर आकर इसको पेस्ट कर देते हैं। और इसको अगर डिलीट करें, फिर से ऐड करता हूँ मैं स्क्रीनशॉट वाला सेक्शन, और नो, ठीक है ठीक है, खुद से सुधार करना पड़ेगा थोड़ा क्योंकि मैंने गड़बड़ कर दिया था। यहाँ पे मैं डबल हैच लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट डालेंगे। तो सबसे पहला हमारा स्क्रीनशॉट होना चाहिए ये वाला, इसका भी URL यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करके इस तरह से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। फिर दूसरा URL ये रहा हमारा, यहाँ पे हम लोग इसको डुप्लीकेट कर लेंगे ऐसे। मैंने डुप्लीकेट कैसे किया, तो कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, नहीं सॉरी अल्ट और शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करोगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा ऐसे। और जितना चाहे आप स्क्रीनशॉट लगा लो, मैंने दो लगाया, मैं चार लगाऊंगा। ये हो गया तीसरा, यस, और ये हो गया चौथा। ओके, तो हम लोग ने चार स्क्रीनशॉट लगा लिए। इसको स्पेस भी दे दिया करो ताकि ये सही से लोड हो जाए, ठीक है। अगर आप स्पेस नहीं दोगे तो वो दिक्कत करेगा, सभी में स्पेस डाल देना, ठीक है। अब देखो हमारा स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ गया।
अब हम लोग को और क्या चाहिए वो भी देख लेते हैं। ऑथर चाहिए, ठीक है, ऑथर चाहिए हम लोग को, ऑथर चाहिए। ऑथर पे मैंने क्लिक किया, इस तरह से ऑथर आ जाएगा। तो ऑथर में मैं अपना नाम लिख देता हूँ, ओके। और यहाँ पे गिटहब का यूआरएल मैं डाल देता हूँ, तो गिटहब का यूआरएल ऑथर के जगह पे मैं एक काम करता हूँ कि गिटहब का यूआरएल इस तरह से कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ओके। ये हो गया ऑथर। अब हम लोग को और क्या चाहिए, तो यहाँ पे यूज़ एग्जांपल रनिंग टेस्ट सपोर्ट रन रोल लोकल रोड मैप रिलेटेड, रिलेटेड इन द सेंस कि और कुछ अगर आपके पास है तो वो डाल सकते हो, वो नहीं चाहिए हम लोग को। लोगो, यस लोगो हम लोग डालेंगे, लोगो क्योंकि मैंने बना के रखा तो लोगो डालूँगा। रिलेटेड को यहाँ से डिलीट कर देते हैं और लोगो डालते हैं। लोगो में मैंने ये वाला जो इमेज बनाया था ना, ये वाला डालता हूँ, इसीलिए मैं लोगो को बना के रखा था। यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा तो हमारी जो लोगो है यहाँ पे आ जाएगा। अगर डार्क मोड करो तो डार्क मोड में भी चेक कर सकते हो कि कैसा ये दिख रहा है, ठीक है। लोगो मैंने लगा दिया, और अगर कुछ चाहिए तो यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। और कुछ नहीं चाहिए तो मैं अब एक चीज़ और ऐड करूँगा जो कि होगा हमारा यूट्यूब वीडियो का लिंक्स, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई आए रिपोजिटरी में तो वो यूट्यूब पे भी चला जाए, इसके लिए मैं लिंक डालूँगा। तो यहाँ पे लिंक्स के लिए हमारे पास क्या है देखते हैं। गिटहब लिंक की बात करें तो ये कैसा लग रहा है, ये इस तरह का लग रहा है, लेकिन हम लोग को तो सिंपल लिंक चाहिए ना। अपेंडिक्स ये भी नहीं चाहिए हम लोग को, एक्नॉलेजमेंट भी नहीं चाहिए, कंट्रीब्यूटर भी नहीं चाहिए, कंट्रीब्यूटर भी कोई नहीं है। सपोर्ट पे करें तो यस, देखो यहाँ पे लिंक ये लगा हुआ लिंक, लेकिन हम लोग को ये नहीं चाहिए अभी। अभी मैं कुछ कुछ चीज़ें जो नहीं चाहिए उसको मैं डिलीट करता हूँ, फिर बाद में देखते हैं कि कैसे लिंक लगा सकते हैं अभी, ओके। तो लिंक मैं जाकर वहीं लगाऊंगा, ठीक है। लिंक मैं लगाऊंगा अपनी गिटहब पे जाकर, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इतना सही है। देखो इतना हमारा प्रीव्यू सही से दिख रहा है, यहाँ पे इस तरह से पूरा दिख रहा है। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि रॉ पे क्लिक करूँगा और ये जितना भी चीज़ आए उसको कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे गिटहब पे आकर इस पे क्लिक करके और इसमें जितना भी है उसको डिलीट कर देना है, और जो भी चीज़ आपने कॉपी करके लाया उसको पेस्ट कर दो, कमिट पे क्लिक करो। इससे आपकी जो रेडमी फाइल है वो अपडेट हो जाएगा और आपकी जो गिटहब है कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। सही लग रहा है। अब ये फ़ोटो वोटो आप देख लेना, डायमेंशन चेंज कर देना, ठीक है। अगर चेंज कर दोगे तो सही हो जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जैसे कि मुझे यहाँ पे यूट्यूब वीडियो का यूआरएल डालना है। तो सिंपल सा यहाँ पे आओ और यहाँ पे आने के बाद प्रीव्यू इधर एडिट इधर है, ठीक है। मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे आके मैं ये HTML का थोड़ा सा कोड लिखूँगा, href लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख दूँगा वीडियो YouTube चैनल वीडियो, और यहाँ पे इसको बंद कर दूंगा मैं। वॉच ऑन YouTube इस तरह से भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक इमोजी डाल देता हूँ इस तरह से, और मेरा जो YouTube वीडियो का URL है उसको मैं इस तरह से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे href के अंदर आकर मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पे कमिट कर दें। इतना करते के साथ देखो आपको यहाँ पे आ गई YouTube वीडियो का URL, अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा YouTube वीडियो ऑन हो गया। अभी मैं और क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं एक वीडियो का अगर
आइकन लगा पाऊँ तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक बार मैं एडिट करके देखते हैं कहाँ पे लगाना था, यहाँ पे लगाना था। YouTube आएगा क्या? वीडियो वीडियो भी नहीं आ रहा, हार्ट लगा देते हैं, चलो इतना सही रहेगा। अब खुल रहा है कि नहीं खुल रहा? ओके खुल रहा है। अब हम लोग ने अपना जो क्या बोलते हैं गिटहब, जो हम लोग ने अपना बहुत अच्छा कर लिया। देखो यहाँ पे गिटहब हमारा अच्छा दिख रहा है। अब एक काम और करते हैं कि ये जो रिपोजिटरी है उसकी जो ऐप है उसका भी लिंक हम लोग डालेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करो और यहाँ पे अपनी जो रिपोजिटरी है उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दो। मैं यहीं से कॉपी करके डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट कर दिया इस तरह से। और वेबसाइट का यूआरएल में मैं क्या करूँगा, जो अभी यूट्यूब की यूआरएल आया उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और टॉपिक में मैं इसका टैग लिख दूंगा कि ये क्या है, न्यूज़ ऐप इन, इस तरह से नहीं, सटा सटा के लिखना है, न्यूज़ ऐप इन फ्लटर, न्यूज़ ऐप फ्लटर, न्यूज़ ऐप एपीआई। ठीक है, इतना लिखने के बाद मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। तब आपको इधर भी बढ़िया सा दिखने लगेगा इस तरह से, और यहाँ पे भी कोई क्लिक करके अपनी वीडियो के ऊपर जा सकता है। ठीक है, अब हमारा ऑलमोस्ट जितना भी रिपोजिटरी का काम है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी हमारा काम है कि इसमें मेन काम है कि यहाँ पे अपनी जो ऐप है उसको डालना। तो चलो वो भी ऐप डालते हैं। ऐप डालने के लिए क्या करना है आपको, एक बार मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर देता हूँ, यहाँ पर क्लिक करना, यहाँ पर रिफ़्रेश हो जाएगा सारी चीज़ें। और आपको क्या करना है, टर्मिनल टर्मिनल ओपन करना और एक बार आप लिखना है यहाँ पर फ्लटर क्लीन, जिससे जितने भी पैकेजेस की फ़ाइल होगी वो क्लीन हो जाएगा। ठीक है, और फिर से आप फ्लटर अपगेट कर लेना ताकि न्यू फाइल आ जाए, अगर कोई करप्टेड फाइल हो वो भी डिलीट हो जाए और आपकी जो ऐप है वो सही से बिल्ड हो सके। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्लटर बिल्ड एपीके डबल स्लैश डबल डैश सॉरी डबल डैश में लिखा और यहाँ पे रिलीज लिख देना। ठीक है, और एंटर दबाना। इससे क्या होगा कि आपकी जो फ्लटर की जो ऐप है वो बिल्ड होगी एपीके में और रिलीज वाली फाइल से बिल्ड होगी, यानी कि बहुत ही बढ़िया ऐप बन के वो हमारे पास निकलेगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा तो इसको टाइम देते हैं। और हमारी जो ऐप है उसके लिए भी मैं एक काम करता हूँ, एक सेकंड, अभी इसको पहले बिल्ड होने देते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ। ओके, तो जब तक ये ऐप डाउनलोड हो रहा है तब तक मैंने, मतलब जब तक ये ऐप बिल्ड हो रहा है तब तक मैंने एक यहाँ पे एक इस तरह का बटन बना लिया। ठीक है, फिग्मा में, और इसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ और यही बटन के ऊपर हम लोग लिंक लगाएंगे। ठीक है, और ये बटन पर जब भी कोई क्लिक करेगा तो हमारी जो ऐप है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो चलो कैसे है, इस बटन का लिंक हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले वो जो मैंने इमेज बनाया उसको यहाँ पे लाकर पोस्ट, मतलब होस्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लाकर उसको रख देता हूँ इस तरह से। ये आ गया यहाँ पे। अब इसकी यूआरएल हम लोग यहाँ पे लगाएंगे, लेकिन उसके लिए देख लेते हैं कहाँ पे लगाना चाहिए। तो मुझे लगाना चाहिए ये जो बैनर है उसके नीचे मैं लगाता हूँ। ठीक है, ये बैनर के नीचे मैं लगाता हूँ। तो यहाँ पे मैं एडिट करूँगा और बैनर का जो पूरा कोड है उसको मैं कॉपी कर लूँगा और एक लाइन के नीचे आकर मैं पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि अपना जो ये वाला का यूआरएल है उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ से यहाँ तक इसको कट कर लेंगे। ठीक है, देखो उसी पे पेस्ट मत करना, पहले कट करना उसके बाद पेस्ट करना। ठीक है, और फिर मैं क्या करूँगा, ये पूरा को मैं कट कर लूँगा और इसको ए ए वाली टैग में डाल दूँगा इस तरह से, एचरेफ इक्वल टू, इसके अंदर कोई भी हम लोग लिंक डालेंगे बाद में, और फिर इसको पेस्ट कर दो और लास्ट में ये टैग को लगा लो।
आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा बहुत HTML अगर आता होगा तो ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी कि हम लोग ए लगाते हैं तब जब कोई लिंक हमको डालना होता है, ये देखो इस तरह से, और यहाँ पे भी इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लोग पिछला वाला डाले थे और ये है अभी वाला, ठीक है। बाद में यहाँ पे हम लोग URL डालेंगे, जब हमारी ऐप का URL जनरेट हो जाएगा तब। फिलहाल के लिए कमिट करते हैं इसको, ये हो गया कमिट, और ये रहा हमारा डाउनलोड वाला इमेज। इस पर अगर क्लिक करें तो वो लोड हो रहा है, ठीक है, सही काम कर रहा है। अभी मैं क्या करूँगा कि देखते हैं कि हमारी जो ऐप है वो बिल्ड हुआ कि नहीं। ओके, तो हमारे नीचे मैसेज आ गया कि हमारी जो बिल्ड ऐप है वो बिल्ड ऐप आउटपुट और फ्लटर APK और रिलीज़ ऐप रिलीज़ डॉट APK फाइल से सेव हुई है। तो हमको चलना कहाँ, बिल्ड के अंदर, APK के अंदर, आउटपुट के अंदर, फ्लटर APK के अंदर, और ये रहा रिलीज, ठीक है। इसके अंदर वाला हम लोग ले लेते हैं, ये वाला, इस पे राइट क्लिक करेंगे रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके। अब क्या करूँगा मैं, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं इसको भी, और यहाँ पे रिपोजिटरी के अंदर आकर रिलीज दिख रहा है ना, रिलीज़ के अंदर क्रिएट न्यू रिलीज पे क्लिक करना, ठीक है। अभी मैं यहाँ क्लिक करूँगा चूज ए टैग पे, और यहाँ पे मैं वर्जन डाल दूँगा 1.0.0, ठीक है, ये हमारा टैग है। टैग में आप कुछ भी लिख सकते हो, मैं वर्जन का नाम ही लिख लिया, आप कुछ भी लिख देना। रिलीज़ में मैं लिख दूँगा न्यूज़ ऐप रिलीज, ठीक है, रिलीज़, ओके। और यहाँ पे अगर आप डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहो तो वो लिख सकते हो, जैसे कि मैंने डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठाया था, तो मैं फिर से यही वाला डिस्क्रिप्शन उठा के और यहाँ पे नीचे डाल देता हूँ। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अगर चाहो तो आप इसका कुछ स्क्रीनशॉट फिर से डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे चूज़ पे क्लिक करके ये सारे स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट नहीं भी डाल सकते हो, क्योंकि हमारे रिपोजिटरी में पहले से स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, ठीक है। ये मैंने स्क्रीनशॉट डाल दिया। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे अपनी जो APK है उसको ला कर रखना है। तो मैं यहाँ पे देखो, ये हमारा APK है, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसका जो नाम है वो पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, F2L दबाना, F2 दबाना, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ न्यूज़ ऐप, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इससे ये हमारी जो न्यूज़ ऐप है यहाँ पे आ जाएगी इस तरह से। अभी देखो अपलोड हो रहा है सारी चीज़ें, ये हो गया अपलोड। अब मैं यहाँ से डॉट को हटा देता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। अगर डॉट टूटा है तो उसको हटा देना, ताकि आपकी जो ऐप का नेम है वो अच्छा लगे, और कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई डाउनलोड करे, और यहाँ पे सेट एज प्री रिलीज पे क्लिक कर देना और पब्लिश पे क्लिक कर देना। अब देखो जैसे ही ये पब्लिश हो जाएगा तो आपको यहाँ पे इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आपका टाइटल दिखेगा, और प्री रिलीज अगर आपने क्लिक किया होगा तो इस तरह से दिखेगा, नहीं तो वो नहीं दिखेगा, ठीक है। और यहाँ पे कुछ स्क्रीनशॉट्स, और यहाँ पे सबसे नीचे आपको डाउनलोड वाला बटन दिखेगा। अब मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ, फिर से समझाता हूँ आपको। ये हमारा रिपोजिटरी रहा, ठीक है। रिपोजिटरी में हम लोग ने सारा काम कर लिया है, ठीक है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे भी डाल दिए, और नीचे सारा चीज़ अच्छा से दिख रहा है। अब मैं ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे रिलीज़ में 1 दिखा रहा है, ठीक है, 1 टैग। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आपको सबसे पहला जो देखने को मिलेगा ये रिलीज़ पे जाओ, ठीक है। रिलीज़ में आपको पहला जो देखने को मिलेगा, यहाँ पे मैंने देखो स्क्रीनशॉट फिर से डाल दिया, आप चाहो तो नहीं भी डाल सकते थे। और सबसे नीचे आओगे तो यहाँ पे एसेट्स को ओपन करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको न्यूज़ ऐप डॉट APK। इस पर अगर क्लिक करो तो ये आपका न्यूज़ ऐप को डाउनलोड कर देगा। देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये देखो हमारी जो न्यूज़ ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इस पर राइट क्लिक करते हैं और इसका कॉपी लिंक कर लेना, ठीक है। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि कोई भी इंसान यहाँ पे इतना अंदर आकर डाउनलोड ना करे, और उसका जो लिंक है मैं डायरेक्ट यहीं पे डाल दूँगा। तो इसको एडिट करता हूँ मैं, और जो मैंने लिंक के लिए स्पेस छोड़ा था उसमें जाकर पेस्ट कर दूँगा। अब इसको
कमिट कर लो। मैंने कमिट कर लिया, अब देखना क्या होगा कि मैं यहीं पे हूँ, ठीक है। यहीं पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारी जो न्यूज़ ऐप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, ये हमारी न्यूज़ ऐप डाउनलोड हो गया, और इसको चाहो तो आप इंस्टॉल भी कर सकते हो। देखो, जैसे ही डाउनलोड हो गया उसके बाद ये हमारा APK फाइल बन के आ गया, और इसको आप किसी को भी इंस्टॉल करवा सकते हो। आप डायरेक्टली ये वाली रिपोजिटरी का लिंक भेजो, बोलो कि वहाँ पर डाउनलोड का एक बटन है, वहाँ पर जाकर हमारी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हो कि हमारा ऐप कैसा चलता है। उसको ज़रूरत नहीं है आपकी पूरा कोड को वो रन करे, अपनी फ्लटर का पूरा सेटअप करे, फिर VS कोड डाउनलोड करे, एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करे। डायरेक्टली वो किसी भी मोबाइल ऐप में इसको जाके खोल के डाउनलोड करके टेस्ट कर सकते हो। अगर आप रिस्पॉन्सिव की बात करो तो GitHub ऐसे भी रिस्पॉन्सिव होता है, वहाँ पे आपको सब कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग अपनी फ्लटर की जो ऐप है उसको GitHub के ऊपर होस्ट कर सकते हैं। ओके गाइज, आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। और हाँ, GitHub जरूर सीखो, ठीक है। GitHub को चलाना सीखो कि कैसे होता है। अगर आप यहाँ पे आना मेरी रिपोजिटरी में, तो यहाँ से स्टार करके फोर्क जरूर कर लेना, ठीक है। स्टार करने से ये आपकी जो रिपोजिटरी है उसके अंदर रह जाएगा, ठीक है। फोर्क करोगे तो एक नया रिपोजिटरी आपकी जो GitHub प्रोफाइल है उसमें भी क्रिएट हो जाएगा यही नाम से, और उसमें आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आई होप आपने भी ये वाली प्रोजेक्ट ज़रूर बनाया होगा, अगर बनाया है तो फिर डिस्कॉर्ड पे भेजो मेरे को कि हाँ आपने कैसा बनाया। ओके, बाय बाय।